बाहर से आ रहे हैं उनकी नजर हमारे ऊपर है, उनको हमें ऐसा लगा जैसे दुश्मन लग रहा। क्यों भाई? हम तो अपने हक मांग रहे, वो कह रहे भाई हम यहां बैठे थे, अब धक्के से आगे बढ़ जाएंगे और बढ़ के फिर चले जाएंगे। भाई इन्होंने नई मुहिम शुरू कर दी। भाई हम आपको कोई गाली नहीं दे रहे, हम आपका कोई विरोध नहीं कर रहे, हम तो अपने हक मांग रहे हैं और हक मांगना कोई गुनाह नहीं है। तो उनको इसलिए पीड़ा हो रही भाई, ये लोगों को क्यों जगा रहे हैं लोग इंद्रिय हल्के के भाई बाहर से बढ़ के यहां से चले जाएंगे और फिर ये सीधे बोले लोग हम जा रहे हैं, ये उनकी बातों में आ जाओ। भाई मैंने एक चीज बता दो, मुझे एक चीज की बड़ी पीड़ा हो, इंद्रिय हल्के का कोई आदमी इंद्रिय हल्के से बाहर कोई एमएलए बनाओ, ये हमने सोचा हो बेचारे ने, कोई आदमी आप लोगों की नजर में है कोई भाई बाहर इंद्री से बाहर के हल्के में जाकर इंद्री का कोई आदमी चुनाव लड़े हो, कोई आप लोगों की नजर में कोई ऐसा आदमी? क्यों नहीं है? बाहर के लोग पसंद ही नहीं करते बाहर के आदमी दूसरे हल्कों को, फिर हम क्यों कर रहा? भाई हमने जागना तो पड़ेगा। देश के ऊपर जिन लोगों ने जान दी है, कुर्बानी करी है, वो ये सोच के थोड़ी करी भाई मेरा भाई कुछ बनेगा, मेरा माँ बाप कुछ बनेंगे, मेरे परिवार के लोग मंत्री बनेंगे एमएलए बनेंगे या इनको कोई लाभ मिल जाएगा, ऐसी बात सोच के थोड़ा उन्होंने देश के लिए आजादी की है। लाखों लोग देश पर शहीद हुए, देश की जब आजादी की लड़ाई लड़ रही थी बहुत सारे लोगों ने यातनाएं झेली हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी जीवन कुर्बान कर दिया। भाई शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये बहुत सारे शहीद थे, ये तो कुछ एक नाम हम बता रहे हैं, लाखों की संख्या में शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है। किस लिए? भाई देश आजाद होना चाहिए, हम गुलाम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बाहर के लोग हमने गुलाम बनाना चाह रहे हैं इंद्री में। भाई बाहर के आदमी यदि हमारे ऊपर राज करेंगे तो हम उनके अधीन ही तो रहेंगे, और क्या रहेंगे? हम स्वतंत्र हैं, लेकिन ये हमें परतंत्र करना चाहते हैं। तो हम लोगों को जगाने के लिए, हम लोगों को जागृत करने के लिए ये इंद्रिय हल्के के जो प्रमुख गांव है वहां ये पंचायतें कर रहे हैं, और सारे इंद्रिय हल्के के जो प्रमुख कोने हैं बड़े बड़े, गढ़ी बिरबल से लेकर के इधर नेवल और क्या नाम कुंजपरा और करनाल से लेकर के इधर आसपास सारे भाषों वगैरह में ये 21वीं पंचायत आपके हम कर रहे हैं और लगातार ये पंचायतों का दौर चल रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच अपनी हल्का अपनी चौधर कमेटी की ये जो भावनाएं हैं ये लेकर के आया हूं, और आप लोगों से मेरा निवेदन भी किया भाई जो देश की क्रांति थी ये 1857 में शुरू हुई थी और देश का आजाद हुआ था 1947 में। भाई बहुत सारे इस बीच में शहीदों ने जान दी है। भाई हमारा एक प्रयास है, हम अपने प्रयास में लगे हैं। भाई यदि सारी राजनीतिक पार्टियां भाई जो प्रमुख पार्टियां हैं यदि वो इंद्रिय हल्के के आदमी को टिकट ना दें, भाई आप लोग एक बड़ी पंचायत कर लो और बड़ी पंचायत में जो भी आपको अच्छा आदमी लगे उसको चुन लो भाई, चाहे इंडिपेंडेंट खड़ा कर लो या किसी को आप समर्थन देने की बात करते हो आपके हल्के का कोई आदमी इस तरह का कैंडिडेट है, भाई वो एक जब इस तरह का हालात होगा बड़ी पंचायत करके आप उसमें कोई निर्णय भी ले सकते हो। वो सांझला होगा, सामूहिक होगा, कोई जात बरादरी की बात नहीं है उसमें, क्योंकि इस मुहिम में सारे बिरादरियों के लोग शामिल है, सारे सामाजिक संगठनों के लोग शामिल है। हमारी मांग ये है राजनीतिक पार्टियों से, भाई यदि किसी कंबोज को टिकट देना है तो इंद्रिय हल्के में भी कंबोज है, कश्यप को देना तो इंद्रिय हल्के में भी है कश्यप, भाई जाट को देना तो इंद्रिय हल्के में भी जाट है, किसी ब्राह्मण को देना वो भी इंद्रिय हल्के में है भाई, किसी राजपूत भाई को देना है, दूसरी बिरादरी जिस 36 बिरादरी इंद्रिय हल्के में है, जिस भी बिरादरी को राजनीतिक पार्टी समझती है भाई हमें अपनी पार्टी का लाभ फलानी बिरादरी को टिकट देने से होता है, भाई वो उसको टिकट दे दे, लेकिन इंद्रिय हल्के का तुमको हम ये नहीं कह रहे भाई फलाने व्यक्ति को आज टिकट दे दो आप, हमारी मांग है भाई 36 बिरादरी इंद्रिय हल्के के जिस भी व्यक्ति को चाहते हैं उसको टिकट दे दें, बाहर के व्यक्ति को टिकट ना दे, हमारी ये मांग है। और इस मांग को लेकर के हम लोगों में अलग जगा रहे हैं, और यदि आप लोगों को ये मांग अच्छी लगती है, आप लोग इसके समर्थन में, तो भाई आप लोगों ने एक निर्णय करना पड़ेगा, वो निर्णय क्या है जो जो आप कर सको फिलहाल में। भाई ये जो मुहिम हमारी चल रही है भाई यदि राजनीतिक पार्टियों ने बाहर के आदमी को टिकट दे दिया तो भाई हम उसका विरोध करेंगे, ये बात आपने जहां बैठे आपने वहां करनी है, आप जहां रिश्तेदारी में जाओ वहां कहनी है भाई मारे इंद्रिय हल्के में तो एक मुहिम चल रही है, भाई यदि राजनीतिक पार्टियों ने बाहर के आदमी को टिकट दे दिया फिर
फिर इंद्रिय हल्के के लोग वोट देने को ना भाई, और ये मुहिम चल रही है भाई इंद्रिय हल्के में। डॉक्टर साहब, जगदीश जी, भाई बलवीर जी, सरपंच साहब, आपके गांव में पहले भी कई बार आए, और आज ये जो अपना हल्का अपनी चौधर की मुहिम है, इसके तहत भाई निर्मल जी से बात हुई है, कहने लगे कि वहाँ खुली में रखी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, और जितना हल्के में जागृति हो, ये कोई राजनीतिक पार्टी का किसी का जलसा या फंक्शन नहीं है, ये तो इंद्री हल्के का दर्द है। इंद्री हल्के के लोग बोले बाड़े हैं, और जो चालाक राजनीतिक हैं वो किसी भी पार्टी के हों, जिनको ये लगता है कि मेरा अपने हल्के में तो लोग सब जानते हैं, मेरा दाव यहाँ लगता नहीं, कहाँ दाव लगेगा, उन सबको इंद्री दिखता है, क्योंकि इंद्री के लोग घोड़े बाड़े हैं और आसानी से विश्वास कर लेते हैं। अपने लोगों पे हम कम विश्वास करते हैं, बाहर वालों पे जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि बाहर वालों का हमें कुछ पता नहीं, अपने वालों में हम ये समझते हैं कि हम यहाँ यू भी नेता बन जाएगा। एक बार की बात है, प्रोफेसर परमानंद जी मंत्री थे मेरे समाज के, थे कुमार समाज के, तो कहीं चौधरियों के घर में चले गए, हम 5-7 वर्कर उनसे काम करवा के आए, कोई उन्हीं कई चौधरियों का, तो जब चाय बनाने लगे तो उसकी घरवाली ने पूछ लिया कि कहाँ गए थे, बोला वहाँ गए थे मंत्री जी का, परमानंद जी का, कौन है यू आपस में बात कर रहे हो, बोला कुमार है, कुमार भी मंत्री बन जाएगा, मतलब उसको इतना दर्द हुआ कि कुमार भी मंत्री बन जाएगा, तो उनको इतना आशा नहीं थी कि कुमार मंत्री बन जाएंगे, तो हमारे वालों को तो कहा है कि कुमार एमएलए बन जाएगा या कुमार मंत्री बन जाएगा, हर काम में भाई 20-30-50 वोट होंगी, हजारों में तो है नहीं कुमार होगी, लेकिन टांग भगत राम बिठा हुआ भाई, हाँ मैं भी कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ लूं, किसी पार्टी में लड़ जाऊं, तो अगर हम जाति पाति पे चुनाव लड़ेंगे तो हमारी कहीं पार नहीं पड़ेगी, हमने विचारधारा को पकड़ना है, कौन आदमी अच्छा है, कौन हल्के के बारे में सोचता है, कौन हल्के का भला कर सकता है, जब हम ये पहचान करेंगे तभी हमारा काम होगा। अगर हम जाति के नाम पे कि मेरा कम्बो भाई है, भाई चाहे रदौर से आए और चाहे अम्बाड़े से आ जाए, दे दो बस, तो फिर तो उसने काम जाके रदौर में करने, और वहां पे ये कहना है कि जी मैं बन तो रहा इंद्री से ही, लेकिन मेरी आत्मा तो आप लोगों के बीच में रहती है, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। क्या उसने कभी इंद्री वालों को कहा कि जी वहां तो मेरे को जूते लगे थे और यहाँ आया आपने मेरे को सिर पे बिठाया, तो मेरे मन के अंदर, मेरे दिल के अंदर आप बसते हो या आप मेरे दिल पे राज करते हो? कभी नहीं कहा। उन लोगों को जो उसको जूते मारते हैं, उनको सरेआम कहा मीटिंग करके कि मैं एमएलए तो बना हूं इंद्रिय हल्के से, मंत्री भी वहीं से बना, लेकिन मेरी आत्मा तो आप लोगों के बीच में रहती है, जो भी काम हो मेरे पास आया करो, और काम भी उन्हीं के करें, जो उनसे हमारे कम्बोज भाई यूं कहें थे भाई मारा कम्बोज भाई है, उनका एक भी काम नहीं करा, अगर करा हो तो निर्मल जी बैठे हैं बता दें कितने काम करे, हमारा कोई नहीं करा, जाट भाइयों का कोई नहीं करा, किसी बिरादरी का इंद्रिय हल्के का कोई काम नहीं करा, रदौर के बहुत काम किए उन्होंने, दोबारा रदौर के लोगों ने उनको हरा दिया, हम कोई करण देव कम्बोज के विरोध भी नहीं है, हम ये कहते हैं कि बाहर का कोई भी आदमी आए जो हमें बहका करके, हमारे साथ धोखा करके भाग जाए और हमारा हक दूसरों में बांटे। चौटाला साहब यहाँ मुख्यमंत्री बनते थे, सिरसा के लोग लगते थे इंद्रिय हल्के के, तो कोई खास वर्कर है उसका एक आधा काम कर दिया, पर उनमें चलो खुश खासियत थी कि वो अपने वर्कर की पहचान करते थे। उड्डा साहब आए, उन्होंने तो लाइन ही साफ कर दी कि जो रोहतक के हैं उनका काम होगा, जो उनके रिश्तेदारी में जो पैसे दे दें उनका काम होगा, आम आदमी की राम राम जय सीताराम, और फिर दोबारा से वो हुंकार भर रहे हैं कि अब की बार उड्डा सरकार। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस तरह से करके पता नहीं किसका भला करेंगे, ये हमारा तो भला कर नहीं सकते। तो आप अपने हल्के के किसी आदमी को एमएलए ना बनाओ, अगर उसका साथ भी दे दोगे तो उसमें इतना जोश आ जाएगा, इतना हौसला आ जाएगा कि वो जो एमएलए बन के आएगा उसके साथ भी टक्कर ले लेगा आपके हकों के लिए, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है। और जब हम टक्कर लेने वाले बन जाएंगे तो उनको भी डर हो जाएगा कि अब ये लोग जाग चुके हैं, जब तक हम नहीं जागे ये 6-7 जिले बल्कि 11 जिले इग्नोर करके दें, कभी रोहतक का बैठ जाएगा, कभी हिसार का बैठ जाएगा, कभी सरसा का बैठ जाएगा, और वहीं के मंत्री उनकी मर्जी से हमारे यहाँ काम होते थे, हमारे यहाँ का कोई नेता नहीं बना। अब करनाल सीएम सिटी 10 साल रह लिया, लेकिन सीएम साहब के मन में तो रोहतक बस्ती थी, सीएम साहब के मन में कभी करनाल का दर्द नहीं आया,
ना करनाल के लोगों की बात सुनी। अगर कोई मिलने भी चला गया, एक बार मिल लिया, कोई काम कह दिया, और अगर दोबारा मिल लिया कि जी मेरा वो काम होया नहीं, तो क्या बैठ जा तू, तू तो आम आदमी पार्टी का है, तू फलानी पार्टी का है, तेरी गर्दन कटवा दूंगा अगर दोबारा मेरे पास आ गया। तो एक मुख्यमंत्री की इतनी वर्डिंग मीडिया के अंदर आना छोटी बात नहीं है। उससे क्या सीखा कि अगर हमारे गांव का होता तो यूं पूछ दे कोई बात नहीं, चार दिन पीछे उरी आओगा फिर देखेंगे, तना इतना तो कह सकते थे। उसको ये भी नहीं हम कह सकते, हमने ये सोचा कि उसको हरा ही देंगे, अगले की किस्मत इतनी तेज है, बारी होने के बाद दो बार तो मुख्यमंत्री रह लिया हमारा, वोट एक भी नहीं थी करनाल में, अब MP बन के सेंटर का मंत्री बन गया। हम लोग झांसे में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं, उसने मुख्यमंत्री रहते हमारा कुछ नहीं किया, MP बन के क्या करेगा। तो ऐसे आदमी को तो हरा देना चाहिए, हमारे लोगों को समझना चाहिए। मेरे को किसी से कोई ये नहीं है कि मैं नेता बन के आऊंगा, मैं तो आप लोगों का प्यार चाहता हूं, और ये चाहता हूं कि आप अपने हकों की जो भी लगे आपको, कि ये हमारे हलके का आदमी है, हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे हितों के लिए लड़ सकता है, उसको वोट दो, उसके साथ खड़े हो जाओ, उसकी वैल्यू बनाओ, तभी आपकी वैल्यू बनेगी। अगर आप किसी के बकावे में आकर के, झूठ मूठ में किसी के साथ लग के, किसी लालच में आकर के आज वोटें दोगे, तो कल को आपका काम होने वाला नहीं है। वो तो ये कहेगा कि मैंने वोटें खरीद के मैं बना हूँ, या मैंने तो अपनी चलाकी से मैं MLA बना हूँ, मेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया। जहां भी साथ देना खुल के दो, कोई डरने की बात नहीं, कोई दबने की बात नहीं है। और जब तक हल्के के लोग जागृत नहीं होंगे, निर्मल जी के जागृत होने से, भगत राम के जागृत होने से, डॉक्टर साहब के जागृत होने से, सुरेंद्र के जागृत होने से, 5-7-10 लोगों के जागृत होने से ये काम नहीं बनता। चांदवीर मंडान जी अपने गांव में मुहिम चलाएं, निर्मल जी अपने आसपास में चलाएं, मैं अपने आसपास में, अगर आप लोग सारे अपने रिश्तेदारियों में, अपने गांव में, अपने गांव में, जहां भी कहीं चर्चा चले इस मुहिम की चर्चा करोगे, तो ये मुहिम कामयाब हो जाएगी। और अगर यहां आए 10 आदमियों ने बात सुन ली, पल्ला झाड़ के अपने घर चले गए, कुछ होने वाला नहीं है। वोट हमने फिर उसी को ही देनी, चाहे वो बाहर का हो चाहे अंदर का हो, कहीं ना कहीं तो घेर नहीं है। फिर पूछेंगे भाई तुम तो यूं चौधर करते फिर रहे थे, अरे किसी तो देनी थी, सारे ही बाहर के थे, हम किसने दें। भाई अगर सारे बाहर के हों तो एक नोटा का भी आजकल ऑप्शन आ रहा है कि हम किसी को पसंद नहीं करते, उस पे दे दो, सरकार के पास अपने आपकी शिकायत चली जाएगी, आपकी ग्रीवेंस चली जाएगी। एक बार अपना दर्द बताना सीखो, आज तक आपका दर्द किसी ने सुना नहीं है, क्योंकि हमें सुनाना नहीं आया। अपना दर्द सुनाओ वोट के माध्यम से। हमारे नौजवान साथी और आज जो इस मंच सीन पे अपने हल्का अपने क्षेत्र के जो भी व्यक्ति सभी बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम जी। देखिए आज बात जो आई पड़ी है स्वाभिमान की बात है, बात राजनीति से हटकर है। राजनीति करने के लिए अपना स्वाभिमान भी जिंदा रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती है। आज जितने यहाँ व्यक्ति बैठे हैं सबके लिए इंद्री के स्वाभिमान की अगर बात होगी तो मैं एक विश्वास से बात कर सकता हूं, तो आप लोग पीछे तो नहीं हटोगे। आपके कितने ऐसे बच्चे हैं, आपके ऐसे कितने साथी हैं जिनका हक आज बाहर वालों की वजह से मारा गया है। बाहर के व्यक्तियों की वजह से आज आपके हल्के का बच्चा अगर कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है उसको दबा दिया जाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। उसके प्रति जो आज बाहर वालों के चमचे जगह जगह घूम रहे हैं वो क्या कहते हैं, ये आगे कल के जाकर किसी गांव का कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी लड़ना चाहेगा, EBU चुनाव लड़ेगा सारे में, उसके प्रति नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने का काम बाहर वाले व्यक्ति सबसे पहले करते हैं। वो चाहे मेरी बिरादरी के हो या किसी भी बिरादरी के हो, वो हर बिरादरी के व्यक्तियों में ये बात है कि कोई बाहर का आएगा तो उसे पता है यदि इस हलके का कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले उनको ठेस पहुंचेगी जो बाहर से आए हैं। इसीलिए बाहर वाले व्यक्ति हमारी आवाज को दबाने का काम बखूबी कर रहे हैं और हमें जागने की जरूरत है। आज तक इंद्री में ऐसी स्थिति पैदा इसलिए हुई क्योंकि अगर हम इंद्री का इतिहास उठाएं, बार 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 हमने बाहर वालों को चुनाव लड़ाया, उनको नोट भी दिए, वोट भी दी और उनको इतना सिर पे बैठा लिया कि आज वो हमारी ही आवाज दबाने का काम करने लगे हैं। उनको वोट भी हम देते हैं, नोट भी हम देते हैं, उसके बाद आवाज भी हमारी ही दबाई जाती है।
और जब कोई काम के लिए जाता है पता लगा पिछले गेट से वो तो चले ही गई, लोग आगे से गए वो पिछले गेट से निकल गए, या किसी को धमका के भगा दिया। अरे भाई हमने नोट भी दिए वोट भी दिए, उनको सबको धमकाने का काम बाहर वाले अगर करेंगे तो हमें जागना तो पड़ेगा। मैं पिछले चुनाव की बात करता हूं जो 2019 में हुआ था विधानसभा का, जिस व्यक्ति ने चुनाव जीता है सबसे ज्यादा वोट पड़ी उसको ये बात तो निश्चित है भी, इसलिए वो चुनाव जीतता है। वो था कहां का, कहां का था जी? नहीं देखो चुप का मतलब पता क्या होता है, गांव की जनता के बारे में एक बात जानते हो, ये बड़ा ही सक्षम समृद्ध गांव है, अगर इतना दबके चलोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे आप स्वाभिमान को जगाओगे? जो जीता वो बाहर का। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो पिछली बार दूसरे स्थान पर रहा था वो कहाँ का था बताओगे जी? है जी, जो दूसरे स्थान पर रहा था कहाँ का था? जो तीसरे स्थान पे रहा था वो कहाँ का था? सारे बाहर के थे। आप ये देखना टॉप के टॉप थ्री जो थे बाहर के थे। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े इसको दर्द को मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये हमारे लिए बड़े दर्द की बात है और शर्म की बात भी है कि तीनों तीनों बाहर के थे, जो पहले दूसरे तीसरे स्थान पर आए। और अभी आने वाली पीढ़ी पता क्या क्या करेगी, ये तो यही के है, उन्हें तो पता ही लगने का क्योंकि स्थिति ऐसी होगी। और जिस दिन ये फैसला आप बदल दोगे, पहले नंबर पर भी इंद्रियाल आए, दूसरे नंबर पर भी इंद्रियाल आए, तीसरे नंबर पर भी इंद्रियाल आए, तो उस दिन समझ लेना इंद्री का राजनीतिक भविष्य जाग चुका है, इंद्री की जनता जाग चुकी है और इंद्री के हक जो है मिलने वाले हैं जिस दिन तीनों इंद्री के होंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार जीतने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी सरकार नहीं आती, और जो हार जाता है नंबर दो पे होता है उसकी सरकार आ जाती है या नंबर तीन वाले की आ जाती है। यदि वो आपके कहीं आसपास के गांव का है तो कहीं ना कहीं वो पावर में तो रहेगा, अगर उसकी सरकार आएगी आपके काम होंगे। तो अभी सबसे पहले जो विषय आपने इंद्री के लिए सोचना है, जात पात से बाहर निकलकर सोचना है। जैसे किसान आंदोलन जो है ना कामयाब हो गया सरकार को झुकाने में, यदि उसमें कहीं जाति आड़े आ जाती, सरकार ने बहुत कोशिश की सरदारों को खालिस्तान बताने की कोशिश की, यहाँ पर ये कहा गया ये तो जाट जाट जा रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रचार चले, लेकिन फिर भी जनता एकजुट होकर उस आंदोलन को कामयाब करने में सफल रही, उसके बीच में जाति कहीं नहीं आई, इसीलिए वो आंदोलन सफल रहा और सरकार को झुकाने में कामयाब रहा। यदि आप लोग भी ये सब बुलाकर इंद्री की आवाज को उठाने का काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जैसे भी हमारे पंडित जी ने बताया, प्रधान जी ने, कि भागीरथ की तीन पीढ़ियां लग गई थी, चार, और पांचवी पीढ़ी जाके गंगा लेके आई। उन चार का जिक्र नहीं है, हो सकता है कल हम सब में पीढ़ी दर पीढ़ी फर्क पड़ता चले, लेकिन आवाज को बुलंद आप लोगों ने रखना है। जो हमारे से छोटे या नौजवान साथी बैठे हैं वो अगर आवाज बुलंद रखेंगे, हो सकता है हमारी इस बार सफलता ना मिले, अगली बार मिल जाए, उससे अगली बार मिल जाए, हो सकता है हम लोग ये देख भी ना पाए, सफलता लेकिन जरूर मिलेगी। पर ये इतना बड़ा काम नहीं है कि इतना समय लगेगा, वो तो गंगा को लाना था बहुत बड़ा काम था, ये तो सिर्फ आप लोगों की एकमात्र वोट की चोट से काम हो सकता है। और क्या कहावत है, देखिए जी आप लोग भी हल्के में रहते हैं, हर बरादरी के बारे में क्या कुछ ना कुछ बात चलती है, कंबोज है भाई ये तो उसकी गिल्लो जमा, ये उसकी गिल्लो जमा, जाटों के बारे में एक कहावत है भाई ये तो डगे हिसाब से चला। तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, अपने इंद्री के बारे में सोच लियो, चाहे वो कंबोज हो चाहे कोई जाट हो, अगर कोई हमारा नेता हम उसके कहने से चलता है और वो हमारी बात मानते तो उसके एक बात और कहते जी का इंद्री आड़ा ना इंद्री का कैंडिडेट दे दो। यदि कोई कंबोज आ जाता है बाहर का तो उसको मैं ये कहूंगा, जो कंबोजों के नेता है हमारे प्रधान है वो ये भी बात कहें भाई इनकी बार इंद्री वालों को आने दो आगे आप लोग आराम करो। यदि उसके बावजूद भी कोई इंद्री से ही चुनाव किसी पार्टी से लड़ता है तो उसका हमें पूर्ण जोब से विरोध करना पड़ेगा, और उस विरोध से जो आवाज निकलेगी वो इंद्री के स्वाभिमान की आवाज होगी। मैं इसी कड़ी में अपनी जो है बात को विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, धन्यवाद करता हूँ, इतने गर्मी के समय अपना काम धंधा छोड़ के आए
सरपंच साहब का तो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सरपंच तो बहुत डरा है, बहुत ही कम ऐसे हैं वहाँ जो आगे होकर चल पड़े किसी भी सामाजिक कार्य के लिए। कई गांव में गए हम तो कई लुक लुक सी का बतड़ा हुआ था मरता, चलो खैर उनका अपना चलो क्योंकि मजबूरी रही होगी, पर हम तो भगवान की दया से कभी डरे नहीं। और न्याय के साथ रहने के लिए थोड़ी दिक्कतें तो आपके डरना कभी नहीं चाहिए। हमारे निर्मल जी तो इस मुहिम को पिछले 6 महीने से लगातार हमारे अंदर भी जोश भर दिया ना, मेरी काम तो उन भाइयों का था जो राजनीति कर रहे, पर हमने सोचा भी चलो ये नहीं कर रहे हम इनका सहयोग करते हैं, इसमें कोई डर नहीं की घबराने की बात नहीं। भाई चांदवीर जी मडाण साहब ये भी हमारे इलाके की शान है, ये न्याय चलाने की सबसे बड़ी कोई अगर कोई तरीका हुआ, अन्याय जब किसी को होता है तो वो वकील ना हो तो भाई कौन जीण दे, तो भाई हमारे इलाके में इनका नाम है और डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे लिए बहुत बार जो है ना 2-3 बार हमारा नेतृत्व कर चुके हैं, ये भी एक पहचान हमारी। भाई वकील साहब उनके साथ में है चौरा से आ रही जोधपुरा से, और भाई भगतराम जी मेरे गांव से हैं जो जज रिटायर हुए हैं, बहुत एक योग्य हैं, 2 बार अपने टाइम में कॉलेज में भी प्रेजेंट रहे, और हमारे और साथी भी जो डॉक्टर साहब हैं कई, भाई नाम नहीं भूल गया मैं एक दो का, डॉक्टर संजय और नवीन जी, सारे टीम है ये सभी जातियों के लोग और सभी पार्टियों के। भाई सबसे बड़ी बात तो है कि हम किसी एक पार्टी के भी और ना एक जाति, अगर जाति तो इंसान की व्यवहार होता है, भगवान ने तो सारे एक जैसे बनाए, सबका खून सबका विचारधारा एक थी, व्यवस्था बनाने के लिए हमने इनमें थोड़ा फेर बदल कराया था, उसमें इन राजनीति वाले लोगों ने जहर घोड़ दिया, इससे भी ऊपर उठ के चलना में कहने ने तो सरपंच साहब ने इन्हें भाई निर्मल जी ने कह दिया सबको बचे ही नहीं, पर मैं तो इनको इनकी धोती जिस तरह धोते जिस तरह पीछा रंगीले की धोती थी अपने आप हट जाएंगे, मेरा अपना विचार है रंगीला मेरे वहीं पास मरवा करना बहुत नमू करके अपनी सुनता इंद्री उड़ी बड़ी अदवाई थी ना, ऐसे ही पहली गलती मारी कर्णदेव के टाइम में थी, अगर कर्णदेव को ना बनाया होता जो अजू भी को नहीं आवा था कश्यप भी, उस टाइम हम भावनाओं में बह गए दर्द में अपना गुस्सा संभालिया नहीं और गलत फैसला ले गए। मैं तो इतने खुले वक्तव्य से कहूंगा भाई गढ़ी बिरबल में वहां गली बना थी, और गली तो बनी नहीं पर उसके ऊपर सड़क जरूर बना दी, वो कागजों में दिखा दी, और उसकी जी पेमेंट होने लगी तो यहाँ से काम करा रुकटना हुआ हमने करवा के उसकी पेमेंट, और कुछ आप लेकर कुछ पड़ोसियों तो बैठ दिए और फिर बाद में पर्चे दर्ज होते, यहाँ से काम करना हुआ लुकटना हुआ हमारे को ही, तो भाई इन सारी चीजों से। और रही बात हिम्मत की, कई लोग हिम्मत हार जा भाई ये क्या करेंगे, अरे हम अपने क्या होता पहले गढ़ था जब टिकट मिल गया भगत राम ना या निर्मल ना मिल गया और अयू क्या इसके पल्ला क्या, अरे ना ना यह बात क्या नहीं छोड़ दो, संपूर्ण कोई नहीं है, संपूर्ण तो भगवान राम तब इन्हें को आते सुरपना खा कर नाक नहीं काटना चाहिए, पहले उनके घरों का कहना चाहिए था भाई ना तेरी बहन हमने तंग कर रही, भला कोई ऐसे जमाने ऐसे तरीके से कई बार काम नहीं चलता भाई। गंगा को लाने के लिए भगीरथ की 4 पीढ़ियां खत्म हो गई थी, 5वीं पीढ़ी में भगीरथ का नाम है, उन 4 पीढ़ियों को हम याद नहीं करते ना, उन्हें बताया बताने वाला मरता, तो लड़ाई एक दिन में एक आदमी से लड़ी जाती, कोई आदमी कमजोर नहीं होता, महाभारत क्यों होया लड़ाई जो एक घर की थी वह उन्हें कोई भी नमटवा देता, लेकिन नहीं अन्याय के लिए जितनी आदमी में ताकत हो भाइयों की ताकत हो तो किलो लड़ना चाहिए, किलो की हो 5 किलो लड़ना चाहिए, जो पूर्वज हमारे शहीद हुए जो मर गए जो अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते तब हो गए, वह भी तो किसी के बेटे थे किसी के भाई थे, और जो मारी आ रही होगी मामला कौन बचालेगा, तो भाई मेरी सोच तो अलग है भाई, इनसे डरने की जरूरत नहीं, ये नुकसान तो करेंगे पहले चांदवीर का करेंगे भगत राम का मेरा निर्मल का करेंगे सारे तक तो फिर भी नहीं बिजली पहुंचा दे, सब क्यों डरो भाई ये किसी के नहीं है, इस यह आवाज तो बहुत पहले उठनी चाहिए थी, और हमारे हल्के के जो बाकी लोग हैं जिन्होंने तगड़ी करनी है ढिले है, ये चाह पीने जाएंगे तो अपना जाटो को जाटो पीजेगा, ब्राह्मण हो गए ब्राह्मण हो पीजेगा, तो ये भी सब का नहीं जानते, मेहनत नहीं करते डरते कर टिकट तो मेरी आई, अरे टिकट नहीं है टिकट के बाहर भी जाकर बहुत ताकत है इन लोगों को साथ जोड़ दो, ये हिम्मत नहीं करते, इस हिम्मत का फायदा ये लोग ठहरे भाई, ताकत ने इतनी इतना प्रेशर बना दो चुनाव से पहले ही, अकमार शेडी होगा सरकार पर बहुत कुछ तंत्र हुआ उनको पता लग रहा, बस फर्क इतना इस ताकत ने पहले दिखा जाए आप ही भाग जाएंगे और नहीं भाग जाएंगे थर पर दवाइया भाई जाने वास्त मन तो लड़ना नहीं मेरे तो करो, मैं ठंडी गुबारा जरूर हूँ पर बाकी मैंने मेरा इतना व्यवस्थ करना मेरी गलती करता, बाकी इन भाइयों का सही हो जाए जो और यह सबके फायदे की बात, अगर गाँव में पूरा सरपंच नहीं बना सकते तुम, मैं अगर यहाँ इलेक्शन लड़ो मारे के वोट दे दोगे तुम तो ये आने दिन दे तो इन्हें क्यों पाड़ो, फिर ये उसका फायदा अगर कोई भाई उड़े का बन जाएगा मैं 10 रन तो मैं जानू 2-3 तो सरपंचों ने जान जाके किसी न किसी ने लेकर पहुंच जाऊंगा, उसने मजबूर हो जाएगा मेरी बात सुनने के लिए, अरे ये तो भाई बनका फिर धमका हुआ, और जो हमारी पनीरी है पनीरी कौन सी है हमारी जो थोड़ी सी मुंडी कट है भाई मैं MLA बन जाऊँ MP बन जाऊँ उस ऊना ऊना तो पूरा दबाव है उनके पर्चे दर्ज करा तंग करा।
तो भाई ऐसी मुहिम को पूरा बल दे दोगे तुम, और भाई जो तुम नहीं हो भाई हम भग रहे हैं, मारा तो कुछ जाने वाला नहीं, मारे करो दाल रोटी सुरक्षित है भाई, इस लड़ाई ना जोर ला दो। अरिब का भी तो चूक गए, पहले एक परसनी बन गई हो तो चलो मारा आपका, उसमें तो पैदा ही होया था घर 70 मन, उसके बाद हमने गलतियां करी और उस गलतियों की सजा आज ही हुआ। पीछे राजकुमार सैनी का परसों बयान था भाई मैं तो इंद्री से लड़ूंगा, के बात उन्हें कौन लग रहे भाई पूरी पैर का नाचेगा, तो हम कह रहे कि मत नहीं रख दे भाई। एक साहिल शर्मा उसका आया, हमने तो टोने में भी कई दिन लगा, मैंने 35 साल हो गए घूम देना, मैंने भी टोने में कई दिन लगा रही पड़ेगा भाई। एक साहिल शर्मा के बोर्ड लग रहे, हमने अपनी टो ही मगर साहिल शर्मा ही तो कड़ी आया नहीं आगा, सिरसीता आ गया संजीव, नहीं नहीं साहिल सिरसीता रह गया बोर्ड देखना, संजीवन तो साहब ऐसा भाई मंडी बन गई मंडी, जो किसी भाई ने मारी बात तो दर्द हम तो माफी मांग लेंगे, अपने घरों गिरा लेंगे, हमारे पे काम है छोटा पोता अपने नखला लेंगे, इस मंडी में बिकोगे तमी और मैं भी नहीं नारा नहीं मुझे बिकी लेंगे, इस आवाज ना ठाणे वास्ता पूरे जोर ला जो ना, तो निर्मल के घरों कुछ बेचारा 2 दिन तो पहले हुआ सरपंच साहब करवा दे प्रोग्राम, कहीं तो डरा भी है, चलिए भाई आइए भाई। तो भाई यू लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है, इसमें इतने जोर ला दो कि भाई कहने तक कसर बचे ही नहीं, यानी भाई थारे लिए तो फिर जो से बिहार के भाई उन्हें जिरी लाना रहे ना, हो सका यू याद रहा हमने कड़ी जाना पड़ा, तो क्यों नहीं इस बात ना समझते, या तो यही बात सरपंच साहब ने कह दी, यही मैंने कह दी और भी यही कहेंगे, ताकत बनेगा तुम मरते तो भाई 10 जड़ दोगे 5 कह मान दोगे, मारा तो ऐसा ही होगा, राजनीति वाले तो ज्यादा जड़े जावा पर थर तो नहीं जाते, तुमने तो डर जोन से तो दे रखी ना बदली तक नहीं सच होता, मैं समाज का प्रधान भी सरपंच भी रह लिया, मेरा बाप भी रह लिया, मेरा चाचा भी रह लिया, एक बदली कराई मैं ना 150 गेड़े मारे थे, मैं मुंह पर लग रहा कहना माइक पर कहने लग रहा, युवा था इतने चला बस मारी भी कितना अंदाजा रह रहा, एक बदली तक कितने लोगों का भला हो जाएगा। तो भाई डरो नहीं, दम का जोर लगा दो भाई, को ज्यादा बोल गया गलत बोल गया माफी चाहूँ, धन्यवाद। भगत राम जी, जसविंदर जी, आप सभी को सबसे पहले तो मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। देखिए एक बात तो यह है कि कोई मुहिम राजनीतिक नहीं है, और ये कोई मुहिम अकेले निर्मल जी की नहीं है, ये मुहिम तब बनेगी जब आप सब लोग जुड़ोगे, अकेले हम 4-5 आदमी घूमते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप तक जन जन तक हर आदमी की मुहिम बनेगी तब ये सफलता हाथ लगेगी। और सफलता क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि पिछले कई प्लानों से हम इसको झेल रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं या चुनकर कुछ दिन दफ्तर खोलते हैं, कोई थोड़ा सा बनाया भाई मैंने तो दफ्तर बना लिया मैं यहीं को हो गया, और जब अगले उसमें अपने वहां चले जाते हैं रात को नहीं मिलते, अभी पिछला भी आपने एमएलए देखा अब फिर वो यहाँ से लड़ने की सोच रहा है, अरे भाई आपने दौर से लड़ा दोबारा लड़ रहे हैं वहां से, यही इंद्री में क्या खास बात है, काम हो कहाँ मिलेगा भाई, रादौर मिलेगा, यमुनानगर मिलेगा, अम्बाला मिलेगा, हमारे इंद्री के लोग इसी संजोपस में रहते हैं और काम नहीं होते, काम क्यों नहीं होते, उन्होंने अपने लोगों का काम करने हैं, तो ये कोई मुहिम एक अकेले आदमी की नहीं है, आप सब जुड़ोगे तभी सफलता हाथ लगेगी, और ये नहीं है कि हम में से कोई चुनाव लड़ना चाहता हो इसलिए हम आगे चल रहे हैं, ये इसलिए है कि इंद्री लोगों का भला हो, इंद्री के लोगों का भला तभी होगा जब इंद्री का कोई एमएलए बनेगा, बाहर से लोग पढ़ के अपने बाहर के लोगों का भला करते हैं, तो मैं ज्यादा नहीं कहता हूं क्योंकि सब कुछ कह चुके हैं, मैं इतनी ही आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस मुहिम को अपनी मुहिम समझें, आप इससे जुड़े, आप लोगों को कहें तभी बात बनेगी, हम यहाँ 4 आदमी बोर कर चले जाएं और आप बाद में चुप हो जाएं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप सब जुड़ें, आप सब लोगों को समझाएं और कहें शपथ लें कि हम जो हमारे इंद्री हल्के का कोई कैंडिडेट आएगा हम उसी को टिकट दें, उसी को हम अपनी वोट देंगे, वोट देकर सफल बनाएंगे, अगर हम आज यहाँ बोलकर चले गए आप लोगों के कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया उसका कोई फायदा नहीं है, और ये मुहिम एक बड़े सत्र पर बनेगी, मैं निर्मल जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि एक बड़ा सम्मेलन करें क्योंकि काफी दिन हो गए घूमते हुए, ताकि लोगों में जन जन में संदेश जाए कि अपनी हल्का हक अपनी चौधर कोई एक वैसे ही चलाई मुहिम नहीं है, ये हमारे लक्ष्य है हमारे ध्येय है कि हमारे इंद्री हल्के का व्यक्ति ही हमारी चौधर संभाले हमारे लोगों के काम करे, तो मैं आप सभी से फिर निवेदन करूंगा कि इस मुहिम से जोरदार से जुड़े, धन्यवाद सभी को दोबारा से नमस्कार। हमारे गांव में जन तहलका जो आपने देखा होगा वो सोशल मीडिया पे जो चलता है प्रोग्राम,
उसको जलाने वाले भाई निर्मल सिंह जी हमारे बीच में आज एक नया एक विचार एक सोच के साथ लेके आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उनके साथ में आए हमारे एडवोकेट चांदीर जी, हमारे शर्मा जी नाम से तो मैं परिचित हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी और जसविंदर जी गढ़ी में बलपुर चोरपुरा से ये बाहर से हमारे गांव में हमारे आप भाईचारे में आप सबके बीच में उपस्थित हुए, इन सब का मैं धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। और डॉक्टर संजय बयाना से आए हैं, ये एक जैसे मैंने सुना है कि इस मुहिम के नाते आपके बीच में आए हैं कि जैसे गांव में अपना सरपंच होता है, अपने गांव का सरपंच होता है तो उसका गांव का क्यों होता है, उसका लाभ होता है कि कोई भी व्यक्ति गांव में किसी भी जाति से अगर अपने गांव का सरपंच अपने गांव में रहता है तो किसी भी छोटे या बड़े काम के लिए आप सुबह शाम उसको पकड़ सकते हो, उसके पास जा सकते हो। अगर गांव में सरपंच डबकोली में बयाने का बदरपुर का कंसोरे का बनेगा तो अपने घर तो जाएगा ही, तो आपको उसमें एक नियमित समय मिलेगा कि 10 से 11 या 12 से 1 बजे तक वो बैठते हैं तो उस समय में आप उनसे मिल पाओगे नहीं तो नहीं मिल पाओगे। और दूसरी बात जो विकास की बात है, विकास तो घर से होता है, नियत से होता है। अगर अपने गांव का सरपंच है तो उसकी नियत रहेगी कि वो अपना गांव में कहीं ना कहीं पैसा लगाएगा, अपने गांव में कोई ना कोई विकास का काम करेगा। लेकिन अगर बाहर से वो सरपंच रहेगा तो फिर उसकी नियत, जिससे मैंने कहा कि विकास होता है, उसकी नियत अपने गांव में भी करने की रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इसीलिए इनकी मुहिम मुझे अच्छी लगती है कि अपना हल्का अपनी चौधरखंड के जो पोस्टर आपने देखा लगा हुआ उसके तहत इनका कहना यह है कि अपने हल्के से ही कोई ऐसा नुमाइंदा हो, विधायक हो, जिसको हम चुने और उसके हाथ में पावर आए और उसके संज्ञान में, क्योंकि हमारे एक घर एक व्यक्ति रहेगा तो इसलिए उसका अपेक्षा रहेगी, उम्मीद रहेगी कि वो पूरा ध्यान उसका केंद्रित अपने हल्के पे रहेगा, अपने हल्के के लोगों पे रहेगा ताकि अपने हल्के के लोगों के काम और विकास हो सके, है कि नहीं। तो इसलिए बहुत अच्छी चीज आज तक हम सभी मैंने सुना, इनके पहले प्रोग्राम सुने उनमें ये कहते हैं कि इंद्रिय हल्के के लोग तो ऐसे हैं कि वो बाहरी को चुनते खुश हैं कि बाहर लगे लोगों को चुनते हैं। लेकिन निर्मल जी मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं, हमारे हल्के के लोग भी बड़े जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बात नहीं, सभी सामर्थ्य लोग हैं। पहले क्योंकि जिस भी पार्टी से जिसको टिकट मिला उसी को देने की बात थी कि यूं नहीं किसी को चुनते थे, लेकिन आपने एक आवाज उठाई और उस आवाज का असर पूरे हल्के में मैं देख रहा हूँ कि है, और ये अच्छी चीज है, इसमें किसी की बुराई भी नहीं। इनका कहना ये नहीं कि आप किसी अमुक पार्टी को वोट दें, लेकिन इनका कहना है कि वोट उसको दें जो आपके हल्के का है। मान लीजिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है और अलग पार्टियां हैं, उनमें अगर सभी अपने हल्के के लोग आएंगे तो एक बनेगा ना, तो वो अपने हल्के का जब रहेगा तो अपने हल्के की तरफ ध्यान देगा, उसका विकास करेगा, वहीं पे काम करेगा। नहीं तो फिर वो कहावत है ना कि अभी जैसे बता रहे थे इसी में वीडियो में सुन रहा था कि वो मुर्गी अनाज तो यहाँ खाती है, राशन यहाँ खाती है और अंडे कहीं बाहर जाके देने का काम करेगी, तो उसने कहीं ना कहीं पूरे हल्के का हमारे लोगों का नुकसान होता है। इसलिए मैं भी प्रसन्न इस बात से खुश हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल के इस तरह की मुहिम लोगों के बीच में छेड़ी है और उसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा। मैं कहता हूँ आपको आश्वस्त करता हूँ कि वो आपकी ये मेहनत रंग लाएगी और बहुत से लोग इसको मैंने पीठ पीछे सुना है कि लोग चर्चा करने लगे हैं, लोग चर्चा करते हैं कि नहीं अपने गांव से ही होना चाहिए, अपने हल्के का होना चाहिए। अपने हल्के का ये भी है कि अगर वो मेरी नहीं मानता, मेरी नहीं सुनता तो मैं अपने गाँव के दूसरे भाई को लेके जा सकता हूँ, उसके गाँव के चार आदमियों को लेके जा सकता हूँ कि नहीं। लेकिन अगर कोई कुरुक्षेत्र में, कोई चंडीगढ़ में, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से अगर दूर दूर से कोई लोग विधायक बनेंगे तो फिर हम किसको लेके जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, सब के सब बड़ी दिक्कत है, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए यह मुहिम मेरे हिसाब से, मेरा मानना है कि बहुत अच्छी मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है और आप इसके तहत यहाँ पे अलग जगाने के लिए आए हैं, तो मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको आमंत्रित भी करता हूँ कि आप अपनी बात हम सब लोगों के बीच में रखें। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।